हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में iOS सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने iOS को अपडेट करते रहे। जैसे ही एप्पल नई iOS रिलीज़ करती है, तुरंत ही आपके फ़ोन में उसका इंडिकेशन आपको मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके iOS में कुछ नया अपडेट आया है कि नहीं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। तो जैसे ही सेटिंग्स एप्लीकेशन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जाना है जनरल सेक्शन में। यहाँ पे जनरल पे आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक बबल्स आपको दिख रहा है वन, तो ये इंडिकेटर है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कुछ अपडेट्स है। जब जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको उसे टैप करना है। तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे सर्वर पे से इंफॉर्मेशन फेच होकर आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो अब मेरे आईफोन में अभी बता रहा है कि iOS 10.3.2 अवेलेबल है और उसकी साइज 195.4 MB है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन टैप करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया है और अप्रोक्सीमेट टाइम यहाँ 2 मिनट्स बता रहा है। अभी डाउनलोड पूरा कंप्लीट होने आया है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो अपडेट्स डाउनलोड किया उसने, उसे अब इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अभी अपडेट ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है और थोड़ी ही देर में इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर शुरू हो सकती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज आ गया है और अभी जो अपडेट डाउनलोड हुआ है उसे वेरीफाई कर रहा है, और जैसे ही अपडेट वेरीफाई हो जाएगा इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट रिस्टार्ट हो चुका है, यानी जो अपडेट्स है वो कम्प्लीटली सिस्टम लेवल पे शुरू हो गया है। ये प्रोसेस में भी टाइम लग सकता है। ओके, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, आप देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो गई है और यहाँ पे मैसेज भी है, योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 10.3.2। तो अब हम देखते हैं सेटिंग्स में जाके कि वहाँ पे स्टेटस क्या बता रहा है। तो आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ से आप जनरल में जाएंगे, जनरल में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट, यानी मेरे आईफोन में अभी जो iOS का जो वर्ज़न है वो लेटेस्ट वर्ज़न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।